रीडिंग फॉर प्लेजर। जब गांधी जी ने कपड़े धोए, घर बसाने के साथ ही मैंने खर्च कम करना शुरू कर दिया। धोबी का खर्च भी ज्यादा मालूम हुआ। इसके अलावा धोबी निश्चित समय पर कपड़े नहीं लौटाता था, इसलिए 2-3 दर्जन कमीजों और उतने ही कॉलरों से भी मेरा काम चल नहीं पाता था। कॉलर मैं रोज बदलता था, कमीज रोज नहीं तो एक दिन के अंतर से बदलता था। इससे दोहरा खर्च होता था। मुझे यह व्यर्थ प्रतीत हुआ। मैंने धुलाई का सामान जुटाया, धुलाई कला पर पुस्तक पढ़ी और कपड़े धोना सीखा, पत्नी को सिखाया। काम का कुछ बोझ तो बढ़ा ही, पर नया काम होने से उसे करने में आनंद आता था। पहली बार अपने हाथों से धोए हुए कॉलर को तो मैं कभी भूल नहीं सकता। उसमें कलफ अधिक लग गया था और इस्त्री पूरी गर्म नहीं थी, जिस पर कॉलर के जल जाने के डर से इस्त्री को मैंने अच्छी तरह दबाया भी नहीं था। इससे कॉलर में कड़ापन तो आ गया, पर उसमें से कलफ झड़ता रहता था। ऐसी हालत में मैं कोर्ट गया। बैरिस्टरों ने मेरा खूब मजाक बनाया। इस तरह का मजाक सह लेने की शक्ति उस समय भी मुझ में काफी थी। जिस तरह मैं धोबी की गुलामी से छूटा, उसी तरह नाई की गुलामी से छूटने का अवसर आ गया। विलायत जाने वाले लोग हाथ से हजामत बनाना सीख ही लेते हैं, पर कोई बाल छांटना भी सीखता होगा, यह मुझे पता नहीं है। लेखक मोहनदास करमचंद गांधी।